हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हिमांश में। आज हम एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसमें देखिए टॉप 750 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 750 क्वेश्चंस हैं जो हम इसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो ये आपकी है 55। कितनी है? 55 है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी या पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही सेकेंड, यानी क्या है, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है पटना में। कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सीतामढ़ी को। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूर्णिया में। कहाँ पे किया जा रहा है? पूर्णिया में। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए NAN कॉलेज के BCA के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो ये किया है रक्षक ऐप को। किसे किया है? रक्षक ऐप को। नेक्स्ट, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में के मामले में बिहार का स्थान है। तो बिहार का इसमें दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ, सही है। और बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में होता है, ये भी सही है। और सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है, तो ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया? तो ये चुना गया था गौतम कुमार को। किसे चुना गया है? गौतम कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जॉन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो ये खोला गया है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ खोला गया है? पश्चिमी चंपारण में खोला गया है। नेक्स्ट, PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने ज़िले लाभान्वित होंगे? तो ये होंगे 6 ज़िले। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस ज़िले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो ये किया है भागलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका C, यानी इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। यानी इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया जाएगा और इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो ये किया है, इसमें एक से अधिक आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक को। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 33। नेक्स्ट है, TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत
किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे ही सही है। टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है, और 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है, और 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है? तो ये दी गई है पटना पूर्णिया के लिए। किसके लिए दी गई है? पटना और पूर्णिया के लिए। नेक्स्ट है, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार में से किसका चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है प्रणव सुमन का। किसका चयन किया गया है? प्रवण सुमन का। नेक्स्ट है, कला संस्कृति को साहित्यिक प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना में। कहाँ किया जा रहा है? पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की पुरास्थल तेलहाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेलहाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नालंदा में। कहाँ पे किया जा रहा है? नालंदा में। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रामधारी सिंह दिनकर को। बिहार के किस जिले के बाबरजचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बांका में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वैशाली में। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है पूर्णिया। कौन सा बना है? पूर्णिया बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो ये है इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है सुपौल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम तीन में जगह दिया गया है? तो ये दिया गया है अरवल महिला पुलिस थाने को। किसे दिया गया है? अरवल महिला पुलिस थाने को दिया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अरुण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि कुमार, अमिताभ और सुधांशु कुमार, इनमें से सभी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? तो इनमें से सभी शामिल है, जैसे पॉलिटेक्निक, ITI और BEd तीनों ही हैं। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक डैश का विमोचन पटना में किया गया। तो कौन सी थी वो? तो वो थी जाति प्रथा। कौन सी थी? जाति प्रथा थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है SK सिंगल को। किसे बनाया गया है? SK सिंगल को बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस संस्थान को सिख जी पर शोध के लिए चुना गया और उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IIT पटना को। किसे बनाया गया है? IIT पटना को बनाया गया है। नेक्स्ट है, NTPC संयंत्रों में से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो ये हो गया है 6,943 मेगावाट। नेक्स्ट, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो ये देगी 15%, यानी 15% 5 करोड़ रुपए।
निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके राजगीर नालंदा में। कहाँ पे किया जा रहा है? राजगीर नालंदा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें उपयुक्त सभी सही है। इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण के साथ की गई। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। अब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी उदयकांत के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? उदयकांत के द्वारा लिखी गई है, अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? देखिए, एक तो शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। और 10 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। इस संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है आपका बी, कि उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है आपका सी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी तीनों ही सही है। जैसे केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अररिया और सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है सुमन कुमारी ने। किसने जीता है? सुमन कुमारी ने जीता है। नई दिल्ली में आयोजित 92वीं स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फॉर्म में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार को। किसे सम्मानित किया गया है? बिहार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया था वैशाली में। कहाँ पे किया गया है? वैशाली में। नेक्स्ट, बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में पार्क का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार वन विभाग बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। यानी ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, कि बिहार में 2005 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है और बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गार्डलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो ये आपका किया गया है गया में। कहाँ पे किया गया है? गया में। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है सहरसा में। कहाँ पे की गई है? सहरसा में। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें उपयुक्त में से
कोई नहीं राइट आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।